होंडा लिवो क्यों आपके पास बेस्ट ऑप्शन है? अगर आप 110 सीसी में कोई भी बाइक लेने सोच रहे हैं तो होंडा लिवो के साथ आपको क्यों जाना चाहिए? आज हम आपको इस वीडियो में इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये हमारे पास 2021 की ऑल न्यू BS6 मॉडल अवेलेबल है। आज हम आपको इस वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड 15 ऐसे एडवांटेज पॉइंट बताने वाले हैं जिसके लिए आप इस बाइक को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। आपको हम इसकी ऑन रोड प्राइसिंग, माइलेज और सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर देंगे इस वीडियो में। आपको हम इसके सारे कलर्स भी चेकआउट कराने वाले हैं जो 2021 में आपको देखने को मिल जाते हैं। EMI, फाइनेंस, सारे आपको ऑफर्स बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप 110 सीसी कोई भी बाइक लेने सोच रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे कोई भी बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि हम सारे बाइक और स्कूटी अपडेट कवर करते हैं और हमेशा आपको अच्छा और लेटेस्ट कंटेंट शो करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर लें अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इस गाड़ी का इंजन रहने वाला है। आपको इसमें 110 सीसी का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको होंडा का बहुत ही साइलेंट और स्मूथ इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही रिलायबल इंजन है, बहुत ही अच्छा टिकाऊ इंजन है। तो आपको रिस्पांस वाइज कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा पहला पॉइंट गाड़ी का इंजन ही रहता है, मेन चीज़ इंजन ही रहता है, कैसा आपको भरोसेमंद इंजन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इस गाड़ी के हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात कर लें तो इस गाड़ी की लुक रहने वाली है। आप इस गाड़ी की लुक चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको होंडा लिवो लुक प्रोवाइड करके देता है 110 सीसी सेगमेंट में। बहुत ही बेहतरीन लुक निकल के आता है, लुक वाइज आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। इस बाइक को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, आपको लुक वाइज देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप बात कर लेंगे तो 110 सीसी में आपको एकदम बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी के बारे में रहने वाला है, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और कुछ बात करें इस गाड़ी के बारे में, तो मैंने तो आपको इस गाड़ी का लुक चेकआउट करा दिया है, तो लुक वाइज आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी इस गाड़ी में, लुक आपको देखने में बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद आपको इसमें एक ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि एक साइलेंट स्टार्ट फीचर है, इनहेंस स्मार्ट पावर, जो कि आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंटली, बिल्कुल ही स्मूथली स्टार्ट कर देता है। आपको यहाँ पे एक ACG मोटर यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होती है, बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होती है, तो कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी नहीं मिलती है, बहुत ही आराम से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्लस पॉइंट इस गाड़ी का है। उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ बात कर लें तो इस गाड़ी की ब्रेकिंग रहने वाली है। आपको ड्रम और डिस्क दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सीबीएस ब्रेकिंग भी देखने को मिलती है साथ में, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमारा चौथा पॉइंट जो इस गाड़ी की ब्रेकिंग रहने वाली है। आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट में भी और बैक में भी। फ्रंट में आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है, बैक में 130 mm की आपको CBS ब्रेकिंग देखने को मिलती है, तो ब्रेकिंग वाइज कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर हम अपने पांचवे पॉइंट की बात कर लें तो इस गाड़ी का मीटर कंसोल रहने वाला है। सेमी प्लस डिजिटल आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, मीटर कंसोल अच्छा आपको देखने को मिलता है, कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलती है। छठा पॉइंट इस गाड़ी का इंजन किल स्विच रहने वाला है। आपको 110 सीसी में पहली बाइक है जो इंजन किल स्विच साथ देखने को मिलती है। आप बिल्कुल ही आराम से अपनी गाड़ी को ऑफ कर सकेंगे इंजन किल की मदद से, जो कि हमारा छठा पॉइंट रहने वाला है। आपको इस गाड़ी में इंजन किल स्विच लगाया गया है, एक अच्छी काम किया गया, एक अच्छा मूव बिल्कुल लिया गया कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लें तो आपको मैं बता दूँ इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। इस गाड़ी में आपको एक बहुत ही बेहतरीन माइलेज देखने को मिल जाएगा, 60 से 65 तक का माइलेज निकाल सकते हैं, जो कि हमारा सातवां पॉइंट रहने वाला है। 60 से 65 km तक की गाड़ी आपको बिल्कुल ही आराम से माइलेज निकाल के दे सकती है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन माइलेज बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर और कुछ बात करें इस गाड़ी के बारे में, क्या कुछ आपको और देखने को मिल जाता है, तो पावर फिगर्स वाइज बात करेंगे तो पावर फिगर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा आठवां पॉइंट रहने वाला है। इस गाड़ी का पावर फिगर और पिकअप पॉइंट, इसमें आपको 8.79 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, 9.30 Nm तक का टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो पावर फिगर्स वाइज भी गाड़ी बहुत सही है। 4 गियर सिस्टम बॉक्स देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा आठवां पॉइंट था इस गाड़ी का पावर फिगर। पावर फिगर वाइज भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, पिकअप वाइज भी कोई कमी महसूस नहीं होगी, पिकअप वाइज अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लें जो कि हमारा नवा पॉइंट रहने वाला है, इस गाड़ी के सॉकर्स और जो सीट में कुशनिंग देखने को मिलती है। आप इस गाड़ी से बिल्कुल ही आराम से कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, कोई भी आपको ज़्यादा दिक्कत या परेशानी देखने में मिलेगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक, बैक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन गाड़ी देखने को मिल जाती है, तो कंफर्टेबल राइड वाइज आपको कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी देखने में मिलेगी। बिल्कुल ही आराम से आप इस गाड़ी से कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को। उसके बाद दसवें पॉइंट की तरफ मूव कर लें तो वो जो इस पर आपको बैक हैंडल पर आपको रबड़ कोटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बाकी गाड़ी में पेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रबड़ कोटिंग देखने को मिलती है, जो ये अच्छी बात है, स्क्रैच से आपको बचाएगा। स्क्रैच आपके जो बैक का आपको रबड़ देखने को मिलता है उस पर आपको नहीं लगेगा, जो आपको इस पर रबड़ कोटिंग देखने को मिलती है जो बैक का हैंडल है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको इस गाड़ी का ब्रेकिंग बताया था, जो आपको इसमें CBS ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको ब्रेकिंग वाइज कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं मिलेगी। बैक में 80x118 inches ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, एग्जॉस्ट की साउंडिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर अपने 11 पॉइंट की तरफ मूव करें, हमारा कौन से 11 पॉइंट रहने वाले इस गाड़ी के बारे में, तो आपको जो होंडा की जो रिलायबिलिटी देखने को मिल जाती है, जो होंडा का भरोसा देखने को मिल जाता है, एक बहुत अच्छा भरोसे के साथ होंडा आपको देखने को मिल जाती है, तो कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी मैंने आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर इसका बताई दिया है, जो आपको ESP टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है,
तो हमारा 11 पॉइंट होंडा का भरोसा रहने वाला है, जो आपको होंडा का भरोसा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा भरोसा, दिक्कत कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, जो कि हमारा 12 पॉइंट इस गाड़ी के बारे में रहने वाला है, आपको मैं बता दूं इस गाड़ी में जो आपको इंजन की स्विच देखने को मिलता है और साथ में जो उसका बैक का जो शॉकर है, ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है, जो कि आपको 110 सीसी में बस आपको होंडा की कंपनी ऑफर करती है लीवो, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। 5 स्टेप तक आप इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, अपने सीटिंग पोजीशन के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 13 पॉइंट इसका डीसी हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है। आपको फ्रंट में जो हेडलैम्प देखने को मिलता है, आपको हैलोजनी बल्ब देखने को मिलता है, कोई भी आपको इसमें एलईडी का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये डीसी हेडलैम्प है, तो आपको जो एक थ्रो रहता है लाइट का, वो आपको एक बराबर देखने को मिलेगा, एक बराबर प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 13 पॉइंट था। 14 पॉइंट की बात कर ले गाड़ी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ 14 पॉइंट जो रहने वाला है, गाड़ी के कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। आपको मैंने अभी तक दो कलर दिखा दी, ये हमारा ब्लू जो है ये तीसरा कलर है, चौथा आपको एक ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो भी आपको इस वीडियो में चेकआउट करा दूंगा। तो जो आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, चारों एक से बढ़कर एक कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, तो आप चारों में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद अगर अपने 14 पॉइंट की बात कर लें, 14 पॉइंट हमारा कौन सा रहने वाला है इस गाड़ी के बारे में, तो जो इस गाड़ी में आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है, 790 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो कोई भी अगर लो हाइट का भी आदमी है, मतलब जिसकी हाइट 5.5, 5.4 हो, 5.3 हो, वो भी बिल्कुल आराम से इस गाड़ी को चला सकता है, ज़्यादा दिक्कत या परेशानी होने मिलेगी, क्योंकि 790 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। एक डिफ़ॉल्ट सीट हाइट है, एक नॉर्मल सीट हाइट है, तो बिल्कुल कोई भी आराम से इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी आराम से इसे यूज़ कर सकता है, किसी को भी ज़्यादा दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मैंने आपको बताया था फ्रंट में आपको इसमें डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये हमारा चौथा और लास्ट कलर रहने वाला है, जो कि आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद और कुछ बात कर ले, जो हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला गाड़ी के बारे में, क्या कुछ आपको इस गाड़ी में और देखने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो आपकी होंडा लीवो रहने वाली है, इसमें जो आपको कर्व वेट देखने को मिलता है, 115 kg इसका वेट रहने वाला है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात रहने वाली है। 115 kg वेट के हिसाब से आप गाड़ी दे सकते हैं, देखने में बहुत ही सही है, बहुत अच्छी है। 115 kg वेट के हिसाब से कोई भी इसे आराम से हैंडल कर सकता है, किसी को भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद हम 16 पॉइंट की तरफ बात कर लें, तो इसकी जो हैंडलिंग है, इसकी आपकी बहुत अच्छी हैंडलिंग देखने को मिल जाती है, हैंडलिंग वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो सीटिंग पोस्चर है, जो सीटिंग पोजीशन है, वो बहुत अच्छी इस गाड़ी में रहने वाली है, तो आपको हैंडलिंग वाइज कोई दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल ही आराम से इस बाइक को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आराम से इसे चला सकते हैं, तो कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है हैंडलिंग वाइज बहुत ही ईजी बाइक है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि मुझे अच्छी बात लगी इस गाड़ी की हैंडलिंग पोजीशन। मैंने लगभग आपको 16 पॉइंट बता दिए इस गाड़ी के बारे में, जिसके लिए आप इस गाड़ी से जा सकते हैं। गाड़ी का लुक, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी में आपको डीसी हेडलैम्प देखने को मिलता है, गाड़ी की ब्रेकिंग, गाड़ी की आपको माइलेज, साइलेंट टीशर्ट फीचर, इंजन की स्विच, मीटर कंसोल, प्राइसिंग, होंडा का आपको एक अटूट भरोसा, सीट में कुशनिंग, फ्रंट और बैक सस्पेंशन और टायर आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं ट्यूबलेस, आपको सेल्फ और किक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात इस गाड़ी की रहने वाली है। 5 स्टेप एडजस्टेबल आपका बैक के सॉकर देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 9 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 60 तक का माइलेज आपको गाड़ी आराम से निकाल के दे देगी। बैक में आपको रबर कोटिंग देखने को मिल जाती है, एग्जॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको पूरा टोटल अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और साथ में आपको होंडा की जो रिलायबिलिटी देखने को मिलती है, होंडा का आपको हर जगह सर्विस देखने को मिलता है, एक अच्छी बात है। बाकी अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लें, तो आपको टोटल दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक डिस्क और ड्रम, लगभग 4000 रुपये तक का फर्क देखने को मिलता है डिस्क और ड्रम दोनों ही मॉडल में। 70,000 के आसपास एक्स शोरूम प्राइसिंग रहने वाले आपके ड्रम वेरिएंट की, और 74-75,000 के आसपास डिस्क वेरिएंट की। ऑन रोड बात कर लें, तो जो आपका डिस्क वेरिएंट है वो 90 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, और ड्रम वेरिएंट की बात कर लें तो आपको लगभग 85-86,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसकी करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग पता चल जाएगी, क्योंकि हर सिटी हर स्टेट में डिफ्रेंशिएट करता है, हर स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टैक्सेस अलग अलग होते हैं, किसी का 4%, किसी का 5%, उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करता है। तो बिल्कुल आप अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल जाकर पता कर सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें, तो लगभग 12-10% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मिनिमम डाउन पेमेंट इस गाड़ी की जो रहती है लगभग आपको 30-40,000 के आसपास रहती है, मतलब 50% ऑफ द अमाउंट में आप इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल वीडियो होंडा लीवो BS6 2021 मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएँ, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर फास्ट रिप्लाई बिल्कुल देखने को मिलेगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा, और अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा, और मैं अगर कोई पॉइंट इसका लेफ्ट कर दिया, अगर आपके पास ये बाइक है तो आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको और कौन सा पॉइंट मुझे जोड़ना चाहिए था इन 15-16 पॉइंट में, और आपको इस गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने